आज हम लोग बनाएंगे कस्टमाइज केक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये आज वाला केक मेरा एकदम कस्टमाइज केक है और लास्ट में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कस्टमर ने कौन सी फोटोज़ भेजी थी और उनको मेरा केक कैसा लगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कस्टमर ने मुझे फ़ोटो भेजी है, ये 3 कलर का केक था, पर्पल, वाइट, पिंक। तो सेम मैंने उसी कॉम्बिनेशन में केक बनाया और जैसी कस्टमर ने पिक भेजी थी डिट्टो वैसा केक बना और उससे अच्छा ही केक बनाया। तो चलिए आप लोग देखते हैं फुल वीडियो इसको कैसे बनाया है। तो हमने फटाफट से 3 कलर के क्रीम ले ली जैसा कि फोटोज़ में था और उनको अच्छे से शार्प कर लिया एकदम शाइनी वेश में, आप लोग देख सकते हैं। फटाफट इनको क्लीन करेंगे और अपना बेस कंप्लीट करेंगे, पर फिर इसकी डिज़ाइनिंग करना स्टार्ट करेंगे। ये देख सकते हैं तीनों मेरे कलर एकदम अलग से दिख रहे हैं और बहुत सुंदर मेरा बेस लग रहा है। ये वाला मेरा केक रसमलाई फ्लेवर का था, तो मैंने 350 चार्ज किया। तो आप लोग बताइएगा कि क्या मैंने उनको चार्ज सही किया है। तो चलिए फटाफट से हम इसको बनाते हैं। ये देखिए, जो भी हमारी एक्स्ट्रा क्रीम थी उसको हमें बाहर निकाल लेनी है और फिर इसको सारा ही अंदर अरेंज करना है। ये देख सकते हैं आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से। ये देखिए, आपको और ये देखिए आपने नोटिफिकेशन सुनी होगी ना, तो ये फ्रेंड्स मेरी नोटिफिकेशन जोमेटो की है। वो एक्चुअली मैं रात में ऑफ कर देती हूँ और सुबह 6:30 पे अपने आप वो ऑन हो जाता है और मेरे ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखिए एकदम क्लीन हो गया है हमारा, फटाफट से। ये देखिए एकदम क्लीन बेस हो गया हमारा और अब इसकी हम लोग करेंगे बढ़िया से डिज़ाइनिंग। और इसमें जो स्प्रिंकल्स यूज़ करने वाले हैं वो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, एकदम कलरफुल से स्प्रिंकल्स हैं वो। ये देखिए मैंने तीनों कलर की अपनी क्रीम बनाई। पहले तो पर्पल वाली जो हमारी क्रीम है इससे पूरे फुली फ्लावर्स बनाने हैं हमें। ये देखिए पूरे बेस में हमको इससे फ्लावर्स बनाने हैं, पूरे राउंड 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 करके। फिर उसके बाद जो हमारा स्पेस दिख रहा है ना, उसमें पिंक वाइट कलर की क्रीम से मुझे डिज़ाइनिंग करनी है। केक तो सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है और आप लोग लास्ट में कस्टमर का रिएक्शन ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो मैंने एकदम लास्ट में पोस्ट किया है कि क्या उनका रिव्यू रहा है और कैसे उन्होंने फ़ोटोज़ भेजी थी हमें। ये देखिए फटाफट से इसमें डिज़ाइनिंग कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। ये देखिए जैसा कि फ़ोटोज़ में डिज़ाइन दिखी हुई थी सेम मैंने वैसे ही बनाई है, और मैंने इसको और अच्छा दिखाने के लिए इसमें बहुत सारे स्प्रिंकल्स लगाए जो कि वो तो मेरे फेवरेट है और बहुत बढ़िया केक लग रहा था। ये देखिए पहले मैंने पर्पल से फ्लावर बनाए, पिंक से थोड़ी सी डेकोरेशन की, अब अपना वाइट कलर की क्रीम वाला पूरा फुली केक कंप्लीट कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से हमारी डेकोरेशन हो रही है। ये देखिए फिर फटाफट से जो भी हमें स्पेस दिख रहा था या फिर जहाँ पे मुझे नीट लग रही थी वहाँ पे मैंने पिंक फ्लावर्स और बनाए हैं ताकि दिखने में इसका लुक और ज़्यादा बढ़िया लगे। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, ये देख ही सकते हैं आप लोग कितना सुंदर केक लग रहा। एक तो ये फ्रंट से भी इतना प्यारा लग रहा था क्योंकि इसमें 3 कलर्स की क्रीम आ रही थी सामने से, फ्रंट से भी दिखने में, और ऊपर का लुक तो बढ़िया था ही क्योंकि इतनी ज़्यादा उसमें फ्लावर्स की डेकोरेशन हुई थी। जो भी स्पेस था वो भी पूरा सारा मैंने कवर अप किया था और बीच का मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा था ताकि एकदम वो भरी हुई डिज़ाइन ना लगे और केक दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरा आइसिंग का
काम कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम अपना फेवरेट काम करने वाले हैं, स्प्रिंकल्स का। फटाफट से मैंने सारे स्प्रिंकल्स इसके ऊपर डाल के केक को कंप्लीट किया। और आप लोग को ये केक डेकोरेशन कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ये देखिए फुली मैंने थोड़े से बाहर से भी फ्लावर्स बनाए, और आप मेरा पूरा बेस देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्लीन है। ये देखिए, और अब हम लोग इसके ऊपर डाल दिए स्प्रिंकल्स। और लास्ट रिव्यू तो आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा कि कस्टमर का क्या रिएक्शन था। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करिए। बाय बाय फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे कस्टमर का रिव्यू।